माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी देश एवं प्रदेशवासियों को महापर्व 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व हमें याद दिलाता है 75 वर्ष पहले हमारा जो देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसकी याद दिलाता है। स्वतंत्रता सेनानी जैसे बिस्मिल जी रहे हैं, भगत सिंह जी रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रहे हैं, गांधी जी रहे हैं, लाला लाजपत राय जी रहे हैं, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है। 15 अगस्त हमें सिखाता है कि हम सभी को संयम, आत्मविश्वास और निर्भर रहना चाहिए। 15 अगस्त पर हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि हम देश से गरीबी को मिटाएंगे, स्वच्छता अभियान को चलाएंगे, एक दूसरे में भाईचारा रखेंगे। कहा जाता है ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश में युवा जो है, अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगभग करीब 60-62 मेडल आए, जिसमें से करीब 21 हमारे गोल्ड मेडल लेके आए खिलाड़ी। तो हम चाहते हैं हमारा जो युवा वर्ग है खेल के प्रति ज़्यादा रुचि रखे, बाकी कंपैरिजन में खेल के प्रति ज़्यादा रुचि रखना चाहिए। तो मैं यही देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रुचि में रहिए कि जिससे देश का नाम बढ़ सके और आप आगे बढ़ सके, परिवार आगे बढ़ सके, सनातन धर्म आगे बढ़ सके, एक दूसरे से अंदर भाईचारा बढ़ सके। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं मोहम्मद इखलाक, बसपा नेता। मेरी व मेरी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश व देश की आवाम को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी देशवासी हमारे इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाएं। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक